जय श्री राम दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि आपके जीवन में धन सुख यदि आपको पाना है तो नवरात्रि में क्या उपाय आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न कर आप अपने जीवन में धन सुख पा सकते हैं। आइए देखते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा के धन सुख पाने के लिए उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं धरती पर अवतरित होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर आप माँ दुर्गा की मन भाव से 9 दिन सेवा करें तो आपको आपके जीवन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के महत्व को बहुत शुभ माना गया है, इसलिए इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि बहुत खास है क्योंकि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू होती है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है और अपने साथ सुख समृद्धि और धन संपत्ति लाती है। इसीलिए इस बार अगर आप सभी भक्त माता की मन से पूजा करें तो निश्चित ही आपके जीवन में माता सुख समृद्धि धन संपत्ति का प्रसाद प्रदान करेगी। सबसे पहले माता के 9 दिनों में आपको मांस मदिरा पान इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा उपाय, पान के पत्ते पर रोज केसर रख के माँ को अर्पित करें। ऐसा 9 दिन करने से माँ प्रसन्न होती है। तीसरा उपाय हम बताते हैं, पान के पत्ते पर हल्दी की गांठ अपने तिजोरी में रखें। ऐसा 9 दिन करने पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में आपको धन प्राप्ति के विशेष लाभ होते हैं। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। अगर आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान है तो इस नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी को जो आप पान खाते हैं वो खाने के पान बनाकर उन्हें चढ़ाए। ऐसा करने पर आप कर्ज से दूर होंगे। यदि आप 2 लौंग कपूर में जलाकर माँ की आरती करते हैं तो विशेष तौर पर आपको धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाते हैं। नवरात्रि में माँ की आरती करते समय धूप जलाए, उसमें कपूर और 2 लौंग डाले और उसे घर में चारों दिशाओं में घुमाए। ऐसा करने पर आपके घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव परेशानी है तो सोते वक्त 9 दिन अपने तकिए के पास, अपने सिर के पास एक नींबू रखे और 10वें दिन उसे किसी नाले में प्रवाहित कर दे। घर वापस आए और अपने हाथ और पैर को धोकर ही घर में प्रवेश करें। ये उपाय करने पर आपके ऊपर जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो दूर होकर आपको
प्रसन्न महसूस होगा। अगर किसी कन्या को नवरात्रि के 9 दिन अगर आप लाल वस्त्र दान करते हैं और कुछ उपहार देते हैं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं, ऐसा करने पर आप पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी एक दिन गरीबों में 21 केले दान करें, ऐसा करने पर आपको कभी भी धन धान्य की कमी आपके जीवन में नहीं पड़ेगी। यदि आप नवरात्रि में चौकट पर नींबू बांध देते हैं और 10वें दिन इसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करते हैं तो इससे नज़र दोष दूर हो जाता है। आखिरी उपाय के बारे में बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में धन सुख सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आपके घर में किसी प्रकार का वास्तुदोष है तो उससे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो नवरात्रि में किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल लंगोट दान करें और महिलाओं को माँ दुर्गा को लाल वस्त्र दान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के वास्तुदोष दूर होंगे और आपके जीवन में धन धान्य सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवरात्रि के कुछ उपायों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।